हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में टैगलिब डायरेक्टिव के बारे में बात करेंगे और हम लोग कम्प्लीटली कवर करेंगे टैगलिब डायरेक्टिव होता क्या है। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे टैग्स कवर कर लिए थे, डिक्लेरेटिव टैग, एक्सप्रेशन टैग, स्क्रिप्टेड टैग और साथ ही साथ में दो डायरेक्टिव टैग भी कवर कर लिए थे, पेस्ट डायरेक्टिव और इंक्लूड डायरेक्टिव। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टैगलिब डायरेक्टिव क्या होता है और हमें अपने जेएसपी पेज में इस टैग का कब यूज़ करना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टैगलिब डायरेक्टिव इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू यूज़ अदर टैग लाइब्रेरी इन आवर जेएसपी पेज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हमें कोई दूसरी टैग लाइब्रेरी यूज़ करनी होगी अपने पेज पे। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का मतलब प्री डिफाइंड कोड। अगर हमारे पास बहुत सारा प्री डिफाइंड कोड है, इसके पास इसका नाम है JSTL, JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, और इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे टैग्स अवेलेबल हैं। जैसे कोर के कुछ टैग्स अवेलेबल हैं, जैसे इस कोर के टैग्स में आ जाते हैं, जैसे आप इसकी हेल्प से प्रिंट कर सकते हो, इसकी हेल्प से फॉर ईच लूप लगा सकते हो, इसकी हेल्प से इफ़ लगा सकते हो। दैट मीन्स ये सब चीज़ आप टैग की हेल्प से कर सकते हो, जैसे HTML के टैग्स यहाँ पे लिखते हो। इसी तरह इसके पास SQL के टैग्स अवेलेबल हैं, इसके पास फॉर्मेटिंग के टैग्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप इन सब टैग्स का फ़ायदा उठाते हो, उठाना चाहते हो, दैट मीन्स JSTL लाइब्रेरी का यूज़ करना चाहते हो, तो हम लोग इस पेज में इन सारे टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सारे टैग्स को यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ किसकी हेल्प से करेंगे हम लोग, टैगलिव डायरेक्टिव टैग का यूज़ करेंगे हम लोग इस JSTL लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए। दैट मीन्स ये टैगलिफ टैग डायरेक्टिव जब हम लोग यूज़ करेंगे, जब किसी दूसरे या तो बनी बनाई लाइब्रेरी का, या हम अगर खुद भी कोई लाइब्रेरी बनाते हैं, दैट मीन कस्टम टैग बनाते हैं, तो हम लोग इस टैगलिफ डायरेक्टिव की हेल्प से पहले हम इस पूरी लाइब्रेरी का URI और प्रिफिक्स यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद हम क्या कर पाएंगे, इस लाइब्रेरी में जितने भी टैग्स होंगे उनको यूज़ कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस लाइब्रेरी को यूज़ करने के लिए हमें हेल्प कौन करेगा, ये टैगलिफ डायरेक्टिव टैग। टैगलिफ डायरेक्टिव टैग हमें हेल्प करता है किसी दूसरे लाइब्रेरी के टैग्स को यूज़ करने के लिए, जैसे JSTL लाइब्रेरी हो गई या हमने कोई कस्टम लाइब्रेरी बनाया। अब इसको चले एग्जांपल के तौर पे समझते हैं और इस JSTL के लाइब्रेरी के कुछ टैग्स को हम लोग यूज़ करके देखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे यूज़ करना है और हम लोग टैगलिफ डायरेक्टिव का कहाँ पर यूज़ कर पाएंगे और कैसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग देखते हैं। तो सपोज हम चाहते हैं कि हम इस पेज में JSTL लाइब्रेरी यूज़ कर पाएँ, JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। तो हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले लाइब्रेरीज़, देखिए यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट में लाइब्रेरीज़ का फोल्डर दिख रहा है। हम लोग क्या करेंगे, अपनी JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी की जार फाइल, क्योंकि जो भी कस्टम टैग होगा उसके बैकएंड में जावा का कोड चल रहा होगा, तो जावा का कोड बेसिकली आपको किस में मिलेगा, जार फाइल मिलेगा। तो हम लोग इस लाइब्रेरी पे राइट क्लिक करेंगे और वो जार फाइल ऐड करेंगे। तो आपको देखिए, आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो, अगर आप गूगल पे आते हो और यहाँ पे अगर आप टाइप करते हो JSTL जार डाउनलोड, जार डाउनलोड, तो आप क्या कर सकते हो, उस जार फाइल को यहाँ से डाउनलोड करके और फिर इस लाइब्रेरी वाले फोल्डर पे राइट क्लिक करके ऐड जार फोल्डर पे क्लिक करके लगा सकते हो। बट नेटबीन्स क्या करता है, आपको ऑटोमेटिक लाइब्रेरी मिली नेटबीन्स दे देता है, आपको सिर्फ लाइब्रेरी ऐड करना होता है। तो आप यहाँ पे ऐड जार पे मत क्लिक करिए, आप यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे तो नेटबीन्स यहाँ पे देखिए कुछ ने लाइब्रेरीज दे दी हैं। तो इसमें आपको देखिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी है JSTL 1.2, अगर आपको नहीं मिल रही तो आप JSTL सर्च भी कर लेंगे तो वही लाइब्रेरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए आप ओके कर दीजिएगा। बाद में एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, लाइब्रेरीज पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और JSTL सर्च करेंगे, JSTL, और इसको सेलेक्ट करेंगे और ऐड लाइब्रेरी पे क्लिक कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया, देखिए यहाँ पे JSTL 1.2 लाइब्रेरी यहाँ पे ऐड हो गई है। अब हम लोग क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। तो अब हम लोग को करना क्या है, सबसे पहले कोई भी टैग, इसके अंदर का कोई भी टैग यहाँ पे यूज़ करने से पहले हमें टैगलिब डायरेक्टिव की हेल्प से यहाँ पे उस लाइब्रेरी का प्रीफिक्स और URI दो चीज़ डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं कैसे हम लोग टैगलिब लाइब्रेरी का, टैगलिब डायरेक्टिव का यूज़ करेंगे। तो हम लोग को डायरेक्टिव है तो सिंपली यहाँ पे लेस देन परसेंटेज और फिर एट द रेट जैसे लगाओगे तो यहाँ पे आपको ये बता देगा कि आप इंक्लूड डायरेक्टिव यूज़ करोगे कि पेस्ट डायरेक्टिव यूज़ करोगे, टैगलिब डायरेक्टिव। तो हम लोग यहाँ पे टैगलिब डायरेक्टिव पे एंटर कर देंगे और उसके बाद आपको दो चीज़ बतानी है। सबसे पहली चीज़ होती है प्रीफिक्स,
प्रीफिक्स का मतलब होता है आपको यहाँ पे एक लेटर देना है, आप सी दे सकते हो या पी दे सकते हो या अपना नाम भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले अपना देखिए, पहले मैं सी दे के दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इस लेटर को चेंज भी कर दूंगा। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि इस पूरे पेज में जितने भी आप GSTL के टैग यूज़ करोगे वो किस लेटर की हेल्प से यूज़ करोगे, सी की हेल्प से यूज़ करोगे। दैट मीन्स अगर मुझे यहाँ पे ये यूज़ करना होगा कोई भी टैग, जैसे आउट यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे सी सी की हेल्प से यूज़ करूँगा, क्योंकि हमारे अभी हमने क्या दिया, अपने टैगलिब लाइब्रेरी की हेल्प से प्रीफिक्स सी दिया है। दैट मीन्स सारे टैग्स हम सी की हेल्प से यूज़ कर पाएंगे, और देखिए यहाँ पे आ भी रहे हैं। अगर आप सी लिख के कोलन करें तो यहाँ पे देखिए सारे टैग्स आ रहे हैं, सी कैच, सी चूज, सी फॉर ईच, ऐसे करके हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये अच्छी बात है, हम लोग ऊपर चलते हैं और इस वाले टैग को कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे हम लिखना है URI, मतलब यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफायर देना है आपको कि आप GSTL के अंदर का कोर पार्ट यूज़ करना चाहते हो, कि SQL वाला पार्ट यूज़ करना चाहते हो, कि फॉर्मेटिंग वाला पार्ट यूज़ करना चाह रहे हो, या कोई अदर पार्ट यूज़ करना चाहते हो। तो हर एक की एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाया गया है। तो मैं क्या करता हूँ, कोर का यूनिक आइडेंटिफायर देख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो देखिए मैं लिखूंगा HTTP/, और यहाँ पे लिखूंगा java.sun.com/। अब हम यूज़ कर रहे हैं JSP, उसके बाद स्लैश, और हम यूज़ कर रहे हैं JSTL, JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी, फिर स्लैश, और फिर कौन सा पार्ट, कोर पार्ट। अगर आपको SQL पार्ट लिखना है तो SQL लिख सकते हो यहाँ पे, और इवन आप नेट पे जाके देख सकते हो यहाँ पे। अगर आप नेट पे यहाँ पे जाओगे और लिखोगे JSTL, और यहाँ पे लिख सकते हो URI टैगलिब, उधर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई दूसरी साइड भी ओपन कर दो तो यहाँ भी वो बता देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए कोर के लिए ये वाली चीज़ है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे URI फॉर्मेटिंग टैग के लिए FMT है, SQL है। दैट मीन्स आपको ये चीज़ याद रखनी, यहाँ पे FMT कर देंगे, SQL कर देंगे, तो फॉर्मेटिंग टैग के लिए बन जाएगा, SQL टैग के लिए बन जाएगा। उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, सी की हेल्प से इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एक वेरिएबल बनाना है, तो हम लिखेंगे C:, और हम यहाँ लिखेंगे सेट, और सेट की हेल्प से हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे, एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वेर, और वेरिएबल का नाम लिख देंगे यहाँ पे नेम, और उसके बाद इसकी वैल्यू भी हम यहाँ से दे सकते हैं। लेट अस सपोज वैल्यू है यहाँ पे टेकसॉफ्ट इंडिया, और उसके बाद हम स्टैक को बंद कर देंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, इस वेरिएबल की वैल्यू नीचे प्रिंट भी कर सकते हैं। अगर नेम की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये मुझे ये वाली वैल्यू देगा। चलिए देख प्रिंट करते हैं, तो हम लिखेंगे C:, और आउट लिखेंगे प्रिंट करने के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे देखिए वैल्यू लिखना है, किस वेरिएबल की वैल्यू। तो अगर आप सिंपली नेम लिख दोगे तो ये पिकअप नहीं करेगा, हम क्या करेंगे एक्सप्रेशन लैंग्वेज यूज़ करेंगे। हम लगाएंगे डॉलर और ये वाला ब्रैकेट, और फिर नेम का वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और फिर हम लोग बंद कर देंगे। अब हम आएंगे अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे क्या ये वेरिएबल टैक्स ऑफ इंडिया प्रिंट कर रहा है यहाँ पे, कि ऐसे ही कुछ प्रिंट कर दे रहा है। तो हम लाकर इसको रिफ्रेश करेंगे, और देखें यहाँ पे टैक्स ऑफ इंडिया प्रिंट हुआ, इसका मतलब इस वेरिएबल की नेम की वैल्यू प्रिंट हो रही है यहाँ पे। अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इफ़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि कोर में बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे हमें एक इफ़ लगाना है तो हम C:, इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ यूज़ करेंगे, और इफ़ के अंदर एक टेस्ट एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हम कंडीशन दे सकते हैं। तो कंडीशन जो भी चेक करनी है आपको एक्सप्रेशन लैंग्वेज की हेल्प से देना पड़ेगा। सपोज़ आपको चेक करना है 3 is greater than 2, 3 is greater than 2, तो ये अगर ट्रू होगा तभी ये क्या करेगा, इसके अंदर का ब्लॉक यूज़ करेगा। तो लेट अस सपोज हम यहाँ पे लिख देते हैं H2, और लिख देते हैं दिस इज ट्रू ब्लॉक, ब्लॉक यस यस 3 is greater than 2, और सेव करते हैं और आके इसको रिफ्रेश करते हैं। और ध्यान से देखिए दिस इज़ ट्रू ब्लॉक 3 is greater than 2, इसका मतलब ये वाला ब्लॉक चल रहा है। बट अगर हम कंडीशन को रिवर्स करते हैं, क्या 3 is less than 2, क्या 3 is less than 2, ये कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स होगी तो ये प्रिंट नहीं होना चाहिए। और अगर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये प्रिंट नहीं हुआ है। इसका मतलब आप सिंपली GSTL के अंदर के टैग्स को यूज़ कर सकते हो, किसकी हेल्प से, आप टैगलिब डायरेक्टिव की हेल्प से इसकी प्रीफिक्स डिक्लेयर कर दो और ये से डिक्लेयर कर दो, और फिर इसको हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो प्रीफिक्स आपको ध्यान रखना है। एक बार हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स को चेंज करके देखते हैं, यहाँ पे हम पी करके देखते हैं और इसको सेव कर देते हैं। इस बार हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, P:। आप देखिए यहाँ पे अपने आप से जहाँ जहाँ C आ रहा था वहाँ वहाँ P आ गया। इसका मतलब अब हमको टैग्स P की हेल्प से यूज़ करना। तो प्रीफिक्स बेसिकली होता है किस वेरिएबल की हेल्प से टैग को यूज़ करना चाहते हो। हम लोग फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं और वैल्यू में लिख देते हैं ऐसे ही 0,
और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो ज़ीरो प्रिंट हो गया। या फिर हम कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, 30, 34 + 56, और अगर हम इसको चलाते हैं तो देखिए एक्सप्रेशन हमारा सॉल्व हो गया। इसका मतलब हम GSTL के अंदर की सारे टैग्स यूज़ कर सकते हैं, अगर हम एक बार उसकी जार फाइल लगा दें और उसके बाद टैगलिव लाइब्रेरी की हेल्प से हम लोग एक बार उसको डिक्लेयर कर दें। इसका मतलब टैगलिव लाइब्रेरी हम तब यूज़ करें, टैगलिब डायरेक्टिव हम तब यूज़ करेंगे जब हमें किसी दूसरे लाइब्रेरी के टैग्स को यूज़ करना पड़ेगा। अब वो लाइब्रेरी या तो GSTL हो, दैट मीन्स प्री डिफाइंड कोई लाइब्रेरी हो, टैग लाइब्रेरी हो GSP की, या तो हम लोग अगर कस्टम बनाएंगे तो उसकी भी यहाँ पे एक URI बनानी होगी आपको टैग लाइब्रेरी डिस्क्रिप्टर फाइल में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं टैगलिब डायरेक्टिव। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर अभी तक हमारे GSTL सर्वलेट की आपने प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की तो जाके वहाँ के सारी वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि अब हम लोग थोड़े दिन में स्टार्ट करने वाले हैं प्रोजेक्ट जो कि होगा GSTL सर्वलेट MySQL पे, और हम लोग बनाएंगे कंप्लीट वेबसाइट ऑनलाइन इसी चैनल पे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर इसे सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।